दोस्तों, अगर आप अपने सपने में बाल को काटते हुए या कटवाते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए काफी शुभ माना गया है। और जब भी हमें कोई शुभ सपना दिखाई दे तो उसके बारे में हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो उसका अच्छा प्रभाव जो हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाला था वो समाप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सपने में बाल काटना या कटवाते हुए देखना हमारे लिए कितना शुभ होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने सपने में ऐसा देख रहे हैं कि आप किसी के बाल काट रहे हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। ये सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके ऊपर अगर किसी व्यक्ति का बहुत सारा पैसा चढ़ा हुआ है, यानी उधार खाता बना हुआ है, आपने किसी से बहुत सारे रुपये पैसे कर्ज के रूप में ले रखे हैं और अभी तक आप उनको चुकाने में असमर्थ थे, लेकिन इस सपने को देखने के बाद आप जल्द ही अपने ऊपर जितना भी कर्जा आपने चढ़ाया हुआ है वो सभी आप चुका देंगे, जिससे आपको और आपके परिवार वालों को बहुत ही ज्यादा राहत मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, अगर आप अपने सपने में किसी नाई के द्वारा आपके बाल काटते हुए देखते हैं तो ये सपना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड लक माना गया है। इस सपने का मतलब है कि अगर आपने किसी को अपने बहुत सारे पैसे उधार दिए हुए हैं और काफी मिन्नतों के बाद भी आपको वो व्यक्ति आपके पैसे नहीं लौटा रहा है तो इस सपने को देखने के बाद जल्द ही आपका सारा धन वो चुकाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, इस सपने का एक मतलब ये भी है कि आपको जल्दी बहुत सारा धन प्राप्त होने वाला है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है और आप एक रॉयल लाइफ एंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर जय राधे कृष्ण या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।